तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय प्लांटेशन ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज रात का समय दोस्तों 11 बज रहा है अभी। दोस्तों देख सकते हैं पानी खत्म हो गया है ऊपर में, तो अभी हम लोग नीचे में जाएंगे दोस्तों पानी लेने के लिए। तो नीचे में जाने के लिए दोस्तों रात के 11 बज गए हैं दोस्तों, पानी खत्म हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कौन सा रोड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डर भी बहुत लगता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दो लोग हैं और हमारे साथ में हमारे भाई है गौतम भैया, तो तीनों लोग जा रहे हैं दोस्तों पानी लेने नीचे के लिए, क्योंकि दोस्तों रास्ता इधर सही नहीं, इधर जंगल वाला रास्ता है, क्योंकि रात में जानवर निकलते रही रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हाथी भी यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। यार कुछ बताते चलो यार, डर लग रहा है मेरे को। फिंगरप्रिंट होती है दोस्तों, मशीन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे हम लोग फिंगर सुबह करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कार्ड मारते फिर इधर यहाँ पे सुबह बॉस होते हैं, यहाँ पे लाइन लगता है दोस्तों। यहाँ की कैंटीन है दोस्तों, यहाँ पे अनानास राकेश भाई ये टूटी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर का पानी इधर नीचे आता है दोस्तों, यहाँ से भर के ऊपर ले जाएंगे पानी। उतना घूम के यहाँ दोस्तों बहुत टाइम लग गया आने में, अब इधर से पानी भरेंगे पीने वाला दोस्तों और ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर पानी नहीं आ रहा है दोस्तों फिल्टर वाला, तो अभी नीचे इसलिए आना पड़ा है, नहीं तो ऊपर पानी मिल जाता है फिल्टर वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर पानी मिल जाता है तो नीचे आके ले जाना पड़ता है। यहाँ देखो इतना जंगल है, इतना सारा अंधेरा लग रहा है। इधर रास्ते कैसे है? रास्ते हरदम ऐसे ही रहते हैं? राकेश भैया रास्ते हरदम ऐसे ही रहते हैं? रास्ता बारिश में तो और खराब हो जाता है, बारिश में जो मैं ट्रैक्टर चलाते हैं उनकी हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। रास्ता इतना खराब है यहाँ के, मिट्टी वाला रास्ता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पानी पीने वाली मोटर, यहाँ नीचे बोर है भाई, यहाँ पे बोर है, यहाँ पे दो तीन बोर है दोस्तों, यहाँ से पानी जाता है पीने वाला, फिल्टर में जाता है तो फिल्टर वाला फिर वापस आता है पीने के लिए, बोर है दोस्तों यहाँ पे। और बाकी हम लोगों को रूम देखो ऊपर देख सकते हैं, देखो आप लोग ऊपर दिख रहा होगा तो हल्की लाइट जल रही है, ये पूरा पहाड़ चढ़ के जाना है देखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर हम लोग रहते हैं, क्योंकि बारिश होता है तो भीगे ना, इस करके हम लोग ऊपर रहते हैं पहाड़ पे, देख सकते हैं कितना चढ़ना पड़ता है। आकाश पहाड़ बहुत ऊपर है ना भाई, पहाड़ बहुत ऊपर है, कुछ ऊपर होगा बता दो, लगभग कितना मीटर तक मैक्सिमम होगा? 500 मीटर ऊपर, 500 मीटर ऊपर है नॉर्मल एकदम खड़ी चढ़ाई है। ऊंचाई बात करें दोस्तों 200 फीट से ऊपर ही है दोस्तों, इतना ऊपर हम लोग रहते हैं। ये बड़ी टंकी है पानी की दोस्तों, यहाँ पे पानी सारा स्टोर होता है, उसके बाद फिल्टर होता है, यहाँ से फिर पीने का पानी। एक बोर ये यहाँ पे है दोस्तों, बाबरे में तो फट गया, अच्छा हुआ कोई जानवर नहीं मिला नीचे, नहीं तो पता लगता हो गया खत्म। जैसे दोस्तों जैसे कुछ इस प्रकार से पानी बहता है ना, इधर ऐसे चढ़ने के लिए रास्ता बन गया है, इधर तुरंदा आराम से चढ़ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग
मस्त रास्ता है पूरा, बस नीचे थोड़ा देख के चलना पड़ता है सांप वगैरह ना हो। सांप मिल जाते हैं, सांप मिलेगा दोस्तों काट ही लेगा, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। रूम पे हम हमारा रूम है, दस चूल्हे लगे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो ऐसे करके बंदे खाना बनाते हैं यहाँ पे, सारा सामान वगैरह यहाँ पे रखा होता है। सिलेंडर आप लोग नीचे देख सकते हैं दोस्तों, खाना बनाते हैं क्या चलते हैं रूम नंबर है, चार बंदे इसमें रहते हैं यहाँ के रूम के अंदर, लाइट जलाते हैं दोस्तों। चंदन भैया पानी लेके आ गया, पी लो रूम में अभी सो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग चार लोगों को बैठे दोस्तों, एक दो तीन इधर नीचे आराम से सोते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इधर बगल में फ्रिज है, अगर ठंडा पानी पीना है तो उधर से फ्रिज है, फ्रिज दिखा दो भाई, उधर फ्रिज है, फ्रिज देख पानी पी सकते हैं। कंपनी की तरफ से लोकल मिला है दोस्तों, जैसा कि इसमें लोकल मिला दोस्तों, एक बंदे में एक लोकल दिया गया, इसमें चाबी भी होती है। फ्रिज कंपनी का नहीं भाई, अपना अपना है, फ्रिज है, फ्रिज हम लोग खरीदे हैं, बाकी अलमारी है दोस्तों, इसमें कपड़े वगैरह रख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ का दोस्तों बस यही है। रूम तो अच्छा ही है लगभग, क्योंकि अभी रूम नया बना दोस्तों, तो कंपनी रूम का कोई चार्ज नहीं करती है। आपका जो भी है खाने का है सिस्टम है, तो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, बाकी कंपनी 1500 बेसिक पे करती है, उसके अंदर ही आपको खाने का भी सिस्टम अपना ही करना पड़ता है। इस समय कंपनी के दोस्तों वीडियो में देखा मलेशिया में किस किस प्रकार की जो भी होता है दोस्तों, किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कभी खाने की, फिर कभी किस चीज़ की, कभी सैलरी की, कभी की हर चीज़ की दिक्कत होती है। क्योंकि दोस्तों लोग सोचते हैं कि विदेश में जाके कमाना बहुत आसान है, बट उतना आसान होता नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। इस समय प्राइवेट में पैसे कम में आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हो? इस समय प्राइवेट का कंपनी का सैलरी बहुत कम आ रही है, बेसिक भी नहीं पे हो पा रही है, काम कितना करना आते हैं लेकिन बेसिक 1000 रुपया 1200 रुपया 1300 रुपया ऐसे आती है सैलरी दोस्तों। बेसिक दोस्तों आपको बता दें, बेसिक सैलरी भी नहीं आती है, जो बेसिक सैलरी होती है ना, क्योंकि बेसिक कैसे आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पहले 1500 रुपया आता था, अब जो है कि 1300 1200 800 700 ऐसे आती है सैलरी। बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आता है मलेशिया में पहली बार काम पे आता है यहाँ पे काम करने के लिए, तो उसको 3 महीने का यहाँ पे जो रहता है वो बेसिक सैलरी मिलती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी तरफ से होता है 3 महीने आपको ट्रेनिंग पे रहोगे तो उसमें आपको बेसिक कंपनी पे करेगी, चाहे जो मर्जी काम करो, बट 3 महीने खत्म होने के बाद आपको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे देती है ना गौतम भैया, 3 महीने बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। और कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों क्या होता है, आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। काम तो मैंने दोस्तों इस यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है इसमें आप लोग देख भी सकते हैं दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई कैसा कैसा काम होता है दोस्तों, फल काटने का काम होता है, फल पूर्णिंग का काम होता है, नाम तो बता दो, और सिलेसिंग का काम होता है, नाम चैनल का नाम है उसमें, इस चैनल पर देख लेगा बंदा वीडियो जो भी देखेगा, यही सारा कुछ है दोस्तों। आप जितना आप इस समय कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलेगा, जितना आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, यहाँ का ही सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों 3 महीने के बाद तो बेसिक कंपनी नहीं पे करती है। और बंदे यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा सैलरी उठाते हैं, 2200 2300 उठाते हैं, जो अभी फल काटते हैं यहाँ पे वो लोग ज़्यादा सैलरी पाते हैं इंडोनेशिया दोस्तों, क्योंकि उन लोग फल कटिंग का काम देते हैं, और इंडिया और बांग्लादेश को दोस्तों काम देते हैं, वो राचून का देते हैं काम दोस्तों, और ये भाजा मारने का काम देते हैं, सिलेसिंग का काम देते हैं। ये क्या दोस्तों इसमें बेसिक मिलती है, भाजा वालों को 2000 2200 रुपये आ भी जाता है लोगों, लेकिन सैलरी जो सिलेसिंग करते हैं दोस्तों उनको कम सैलरी आती है, क्योंकि सैलरी बेसिक वही 1200 1300 1400 रुपये ही आ रही है। और दोस्तों सुनने में भी आया दोस्तों मलेशिया में सैलरी 1800 रुपये होने वाली है, बट अभी हुई नहीं है, अगर होगी तो मैं आप लोग इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ट्रैक्टर वालों को पैसा कितना होता है मैक्सिमम जो फल उठाते हैं दोस्तों? जो यहाँ पे ट्रैक्टर में फल उठाते हैं भाई पूछ रहे हैं, तो उसकी भी सैलरी में बता देता हूँ आप लोगों की, एक बंदे यहाँ पे दोस्तों उसकी कितनी आई थी 4100 रिंगिट दोस्तों, आपको बहुत मायने रखता है, 2 महीने की सैलरी है समझ लीजिए,
4100 रिंगिट, क्योंकि हम फल का तो आपको काम जानते हैं दोस्तों कितना भारी होता है, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70-80 किलो का तक का फल होता है दोस्तों।